नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज इलेक्शन सर्वे के अंदर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी, जो चर्चा करेंगे हिसार के इलेक्शन के बारे में, कौन कहां किसको कितना वोट मिलता है या कौन किसके ऊपर कितना भारी पड़ता है। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार अनुराग जी। सर, जानना चाहेंगे मतलब क्या, मतलब एक लंबा टाइम हो गया आपको भी मतलब पत्रकारिता के इस क्षेत्र के अंदर, मतलब इस इलेक्शन की बात करें जो वोटर है वो काफी साइलेंट नजर आ रहा है, उस साइलेंट के अंदर पता नहीं चल पा रहा सर किसको कितना वोट मिलेगा या फिर कौन किस पे भारी रहेगा। सर, क्या आपका मतलब अनुमान क्या लगते हैं? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ, साथ में अपने मतदाताओं को भी एक नसीहत दे रहा हूँ जी। हमारा भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का। और लोकतंत्र के अंदर चुनाव जो है युद्ध की भांति होता है, उसमें योद्धा खड़े होते हैं और वो दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल करते हैं। जहां तक आपने प्रश्न किया हिसार का, हिसार लोकसभा क्षेत्र का चुनाव एक हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है। यहाँ तीन ऐसे घराने, राजनीतिक घराने जिन्हें कहेंगे, उनके फर्जंदों की, उनके रोशन चिरागों की साख दाव पे लगी है। सिलसिलेवार को बताते हैं हम अनुराग जी आपको, घराने कौन से। सबसे बड़ा घराना चौधरी भजनलाल का घराना जी, जिन्होंने, चौधरी भजनलाल जी ने 12 साल प्रदेश में राज किया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे सेंटर में। तो उनके पोते कुलदीप के लड़के, कुलदीप बिश्नोई जी के लड़के भव्य बिश्नोई कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हैं जी। इनके पिता श्री कुलदीप बिश्नोई दो योजना पहले एमपी रहे और उसके बाद ये हारे पिछली योजना में। अब उन्होंने खुद को मुनासिब ना समझते हुए अपने पुत्र को उतारा है, भव्य बिश्नोई को। एक तो घराना ये है। दूसरा घराना है चौधरी देवीलाल का जी। चौधरी देवीलाल जो किसान नेता के रूप में, जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं, जननायक चौधरी देवीलाल, उनके पोते यानी रीजनल पार्टी से निकलकर एक रीजनल पार्टी बनी जेजेपी जी, जी, जी। उसमें दुष्यंत चौटाला स्वयं सिटिंग एमपी हैं और मैदान में उतरे हुए, उनकी भी साख दांव पे लगी है। अगर दुष्यंत यहाँ से लूज करते हैं तो हाल ही में अस्तित्व में आई जेजेपी आगे विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कुछ बैठक कर पाएंगे, इसलिए दुष्यंत चौटाला की भी साख दांव पे लगी। हाँ, तीसरा घराना हम जब कहेंगे कि रहवरे आजम छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह का, बीरेंद्र सिंह के लड़के जो आईएएस सिविल सर्विसेज की सर्विस छोड़कर वीआरएस लेकर अभी हाल ही में मैदान में उतरे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह और 21 साल उन्होंने सिविल सर्विस की प्रशासनिक सेवाएं दी हैं और 9th रैंक उन्होंने यूपीएससी में पाया, वो मैदान में है, उनकी साख दांव पे लगी है जी। अब रही बात हिसार के अन्य प्रत्याशियों की, अन्य प्रत्याशियों में इनेलो ने एक ऐसे किसान नेता को उतारा है, उसने आज तक हांसी में दर्शन नहीं दिए, एक बार ही अपना ऑफिस खोला और फिर चले गए, ना हिसार में ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं ना। और वो है सुरेश कोट इनेलो के, जो कि जेजेपी की पेरेंट पार्टी है, दुष्यंत की पेरेंट पार्टी है, उनसे निकल कर आए जी। अब बात करते हैं कि जातीय समीकरण की। बीजेपी बात करती है कि जातीय समीकरण, हम जात पात में विश्वास नहीं रखते, तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सरदे मनोहर लाल खट्टर जी की यही पूरा 4.5 साल तक यही वाणी रही है। लेकिन जब जातीय, जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ जाता है, किनारे पे आता है, तो वो जातीय समीकरणों में भी बदलने लगते हैं। अभी हाल ही में कल का ही जिक्र लें तो कल उन्होंने एक पंजाबी समाज के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया और वहाँ भी वोटों की अपील की। तो ये जातीय समीकरण को बदलने में कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं होते हैं तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पार्टी वो कहती है कि हम विकास के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं,
वो भी एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही है पंजाबी समाज प्लेटफॉर्म पे। कल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आए, उनके साथ मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने वहाँ वोटों की अपील की। तो इसका संदेश, इससे पहले भव्य बिश्नोई के समर्थन में एक पंजाबी सम्मेलन बुलाया गया, उसमें कुलदीप जी ने शिरकत की, विनोद मेहता जी ने बुलाया। तो हम यानी कि राजनीतिक पार्टियों को जो आम आदमी को जातवाद में बांटते हैं, इसके ज्यादा और क्या कहेंगे कि ये जितनी भी जातीय समीकरण है ये राजनेताओं द्वारा बांटी गई है। जब हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं अनुराग जी, तो यहाँ 15 लाख के करीबन वोट हैं यहाँ, बिल्कुल, जिसमें ये जाट हर्ट लैंड रही है मैक्सिमम इस लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि जाट समाज से ही एमपी ज्यादा रहे हैं। और पिछली योजना में यहाँ दुष्यंत चौटाला जी सिटिंग एमपी रहे, उससे पहले अपने कुलदीप बिश्नोई जी रहे, तीन बार जयप्रकाश जी रहे, वीरेंद्र सिंह खुद यहाँ एमपी रहे, चौधरी भजन लाल भी एमपी रहे यहाँ पर, तो यहाँ मनीराम गोदारा जी रहे, मनीराम बागड़ी रहे यहाँ एमपी। तो इस तरह से ये जाट हर्ट लैंड मानी जाती है और जाटों के लिए जाट वोट की डोमिनेशन वाली सीट मानी जाती है। ये सात लोकसभा क्षेत्र हर महीनों में हाई प्रोफाइल चुनाव होता जा रहा है, यहाँ कोई भी नहीं हारना चाहता, भव्य बिश्नोई नहीं हारना चाहते कि इनका पूरा का पूरा यानी कि परिवार जो हिसार को अपना परिवार मानता है वो हिसार को सबसे सेफ सीट मानता है। तो ऐसे में बीजेपी भी जातीय समीकरण से अछूती नहीं रही है, तो वो कहीं ना कहीं पोलराइज करवाने की कोशिश कर रही है, वोट कैसे ना कैसे मिले। बात रही हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश में छठे चरण में चुनाव होना है, 5:30 बजे प्रचार बंद हो जाएगा जी। उसके बाद गुप्त रूप से डोर टू डोर, दर्शकों को एक बार बता दे कि 12 तारीख को इलेक्शन होने हैं, कृपया मतलब वोट डालने के लिए जरूर जाए। एंटी नेशनल के साथ राजीव जी मतलब और हमारा पूरा जो एंटी नेशनल की टीम है, आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपना मत डालने जरूर जाए, क्योंकि मत का अधिकार सिर्फ आपके पास है, जानवर के पास नहीं है, मत सिर्फ इंसान के पास है। आपके दिमाग का यूज कीजिए, एक ऐसा एमपी चुनिए, एक ऐसा मतलब समाज सेवी प्रधानमंत्री को चुनने में मतलब आप अपना सहयोग कीजिए और अपना अच्छे जगह पे अपना वोट डालिए। राजीव जी जी कंटिन्यू। आपने बिल्कुल सही कहा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है जी। एक दिन मतदाता को होता है अनुराग जी, 5 साल नेता के सर बिल्कुल। और मतदाता जब अपना वोट डाल के आता है और उसके बाद नेता या कोई भी नेता विजयी होकर आता है, एक बार अपने मतदाताओं के बीच जाकर खुशामदीद होता है, उनका अभिवादन करता है, उनका धन्यवाद करता है, उसके बाद 5 साल यानी कि जनता जनार्दन को वो नजर नहीं आता। ऐसे में हम एक मुझे बहुत पंक्ति याद आ रही है, एक अच्छे शायर की पंक्ति है, धरती एक मंच यहां पर है, धरती एक मंच यहां पर, हर व्यक्ति अभिनेता है, कोई रोता हंसता गाता है तो कोई हारा तो कोई विजेता है। वोटर के अभिनय में हो तुम जरा सोचो समझो विचार करो, वोट देने के बाद ये नेता तुम्हें क्या देता है? ये नेता आपकी विकास की बात करता है, आपकी बहबुद्धि की बात करता है, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है या प्लानिंग की व्यवस्था करता है, अगर नहीं करता तो आप ठगा सा महसूस करते हो। 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करता है तो उस पर बजट भी आता है 5 करोड़ सालाना, तो उसको खर्च करना होता है, तो उनको मुद्दों को दरकिनार करके चलेगा तो वो खता खाएगा। इसलिए जब हम कहते हैं, एक और मुझे पंक्तियां आती हैं याद आ रही हैं एक शायर की, कब तक तेरे नाम पे खाता रहूं फरेब, ऐ मेरे नेता तू अपना जरा पता बता तो दे, बेशक मेरे नसीब में लिख दे तू अपना नसीब, क्या है मेरे नसीब में जरा बता तो दे,
नेता को एक मतदाता गुहार लगाता है कि कब तक तेरे नाम पे खाता रहूं फरेब, ऐ मेरे नेता तू जरा अपना पता बता दो। 5 साल कि देखने को नहीं मिलता, मतलब जब वोट का टाइम आता तो नेता आपके चारों तरफ घूमते हैं वोटर के, बेशक मेरे नसीब में लिख दे तू अपना नसीब, क्या है मेरे नसीब में जरा बता तो दे, बता तो, यानी कि वोटर ठगा था नसीब था, उसके नसीब में क्या है ये धक्के खाने हैं, ये टूटी सड़कें हैं, ये सीवेज व्यवस्था का बदहाल सीवेज व्यवस्था है, ये स्टे कैटल्स हैं, आवारा पशुओं से भी दो दो हाथ होना पड़ रहा है, इसकी ओर कौन ध्यान देता है, कूटनीति, विदेश कूटनीति, फ॔रन पॉलिसीज पे या फिर सरहदों पे पाकिस्तान के दो दो हाथ करने हैं, ये ही उनमें उलझे रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में जब हम पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हम सरसा से चलते हैं अनुराग जी, सरसा से शाख दौ पे लगी है तंवर की, अशोक तंवर की जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, उनके सामने डुग्गल जी खड़ी है जी, सुनीता डुग्गल जी खड़ी है, बराबर की टक्कर दे रही है, बराबर की। थोड़ा सा और आगे चले थे हिसार में, हमने बताया कि 3 साहबजादे खड़े हैं कांग्रेस के, जेजेपी के और बीजेपी के, इन तीनों में टक्कर है, तीनों के साथ दाव पे लगी है। इससे थोड़ा सा और आगे चले हम भिवानी की तरफ, भिवानी में बड़ा रोचक चुनाव हो रहा है जी, वहाँ एक योजना में श्रुति चौधरी जो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की पोती है और किरण चौधरी की बेटी है, सुरेंद्र की बेटी है, वो पहले MP रह चुकी है, उसके बाद धर्मवीर जी वहाँ MP रहे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, अब भाजपा से चौधरी धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं और श्रुति कांग्रेस से है, वहाँ राहुल गांधी जी आए और एकदम से माहौल बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है लोगों में, बीजेपी के MP के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है और ये भी है, तो वहाँ भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की सीट कितनी है, वहाँ गुड़गांव की सीट, गुड़गांव में राव इंदर जी जी, ये भी एक घराना है, राव वीरेंद्र का घराना है, वहाँ इनके पिता श्री राव वीरेंद्र मुख्यमंत्री भी रहे, राव इंदर से कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में स्टेट मिनिस्टर हैं और उनके 6 योजना में लगातार MLA रहे, कैप्टन अजय यादव उनके कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चले फरीदाबाद की तरफ, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी BJP की तरफ गुर्जर जी BJP के प्रत्याशी हैं जो कैबिनेट में सेंटर में स्टेट मिनिस्टर हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं अवतार भड़ाना, 4 बार MP रह चुके अवतार भड़ाना, मैं गुजर बेल्ट है वहाँ, गुजर बेल्ट है पूरा एरिया जो है वहाँ भी बहुत बराबर की टक्कर से चल रही है, यानी कि लोग बात अंदाजा लगा रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हरियाणा के अंदर 7 या 8 सीटें आ जाएंगी, लेकिन बिल्कुल फाइट बराबर की नजर आ रही है। करनाल में आते हैं, करनाल में हमारे विधानसभा के स्पीकर कांग्रेस की तरफ से कुलदीप शर्मा जो कि चिरंजी लाल जी के पुत्र, पंडित चिरंजी लाल जी के पुत्र हैं और पिछले दिनों पिछली योजना में कांग्रेस की योजना में वो स्पीकर भी रहे विधानसभा के, एक अच्छे वक्ता भी हैं और वकील भी हैं, और वहाँ पर भाजपा ने एक कैडर बेस प्रत्याशी को उतारा, संजय भाटिया का बैकग्राउंड RSS का है और भाजपा में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में वे काम करते थे, उनको उतारा, कोई उनका पीछे का राजघराना नहीं है, ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है करनाल में। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं अनुराग जी, तो हम चलते हैं अम्बाला की सीट पे, अम्बाला की सीट पे सिटिंग MP रतनलाल कटारिया जी BJP से है और उनको टक्कर दे रही हैं जो केंद्र में मंत्री रही कांग्रेस की कुमारी शैलजा, ये भी एक राजनीतिक घराना है, ये चौधरी दलवीर सिंह जी कभी रहे कैबिनेट में मिनिस्टर केंद्र में, तो उनकी पुत्री है शैलजा, एक अपने आप में बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम। उससे थोड़ा सा और इतर आगे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र का चुनाव भी बड़ा रोचक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि नायब सिंह सैनी को जो श्रम मंत्री रहे प्रदेश में BJP ने उतारा है और वहाँ पर अभय चौटाला जो इनेलो के अपने आप में आज के दिन मुखिया हैं, उन्होंने अपने पुत्र पर दाव खेल दिया अर्जुन चौटाला उनके साथ है और साथ ही वहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के निर्मल सिंह जी वहाँ
चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो ऐसे तिकोना मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ भी। थोड़ा सा और आगे चले हम सोनीपत की साइड में आते हैं। सोनीपत बड़ा विचित्र सा माहौल बन गया है। दो योजना में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद स्वयं वहां चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और उनके बीजेपी के रमेश कौशिक जी सिटिंग एमपी हैं, उनके विपक्ष में खड़े हैं, और साथ ही वहां पर जीजेपी की और अजय चौटाला के छोटे लड़के दिग्विजय मैदान में हैं। ऐसे में वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी पसीने छूट रहे हैं। पिता पुत्र दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। रोहतक से आप देखेंगे कि दीपेंद्र जो सिटिंग एमपी है, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, और दीपेंद्र को कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए अरविंद शर्मा बराबर टक्कर दे रहे हैं। हमने आपको पूरी सीटों का बताया कि भी कौन कहां से खड़ा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, चुनावी पारा और ज्यादा अधिक बढ़ रहा है जी, और नेताओं के पसीने अनुराग जी छूट रहे हैं। जैसे नाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं, जात पात की भी बात करते हैं, तो प्रार्थना करता हूं कि भी आप अपने मतदाताओं से कि वैसे व्यक्तित्व को देख के अपना मत का प्रयोग कीजिएगा जो आपकी 5 साल आपकी भलाई के काम करे। ऐसा नहीं कि भी आप गए ठप्पा मार के आगे किसी ने बता दिया कान में। हमारे यहाँ ग्रामीण आचक का वोटर बड़ा जागरूक रहता है और वो इसको उत्सव के रूप में शहर के मुकाबले क्षेत्र के उत्सव के रूप में मानता है चुनाव को। महिलाएं ट्रैक्टर में बैठ कर गीत गाती हुई बूथ तक जाती हैं। यहाँ सोता रहता है अपना शहरी मतदाता, फिर आप जैसा कोई जागरूक पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुराग जी वो लगाएगा भी उठो अपना वोट तो डाल के आओ, बोला हाँ हाँ उठता हूँ। इतने में 5 बजते नजर आते हैं। एक नोटा भी है बिल्कुल नोटा है, नन ऑफ देम। अगर आप कोई भी किसी भी कैंडिडेट को अगर पसंद नहीं करते हैं तो उसका भी बटन दबा सकते हैं। ईवीएम में वीवीपैट भी आ गई है। वीवीपैट का तो आप समझते ही होंगे कि मतलब कि वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल, यानी कि वीवीपैट के बारे में बता दूं। वीवीपैट यानी कि ईवीएम का बटन दबाएंगे साथ ही एक पर्ची निकलेगी और वो पर्ची कलेक्ट करके रख दी जाती है। जब कोई कैंडिडेट ऑब्जेक्शन उठाता है तो उस वीवीपैट से मिलान कर लिया जाता है कि ईवीएम का बटन दबा था इस पे और वीवीपैट पे भी यही सेम आया है। तो एक वीवीपैट का भी एक नई टेक्निक आई है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ईवीएम के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं आजकल जो चुनाव आयोग है वो वोटर के प्रति काफी जागरूक व्यवस्था से आप अपना वोट देने के बाद कर सकते हैं। चुनाव आयोग बड़ा जागरूक है। देखो इन दिनों में जब चुनाव बिल्कुल छोटी बातों से आ गया है तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा भोपू नजर नहीं आते आप, ज्यादा फैनफेयर नजर नहीं आता। दूर था मतलब दूर था जब चारों तरफ मोहम्मद रफी के देशभक्ति के गाने सुनाए जाते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे चंद दिनों के लिए गाने सुनने को मिलते थे। लेकिन अब थोड़ा सा शांत माहौल है, फिर कुछ लिमिटेशन कन्फाइंड अप टू द एक दायरे में रह के उन्होंने प्रचार करना है क्योंकि सोशल मीडिया का युग आ गया है। इट इज़ ए ईरा ऑफ द सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे आप अपना प्रचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथ में है, वो यूट्यूब पे देख रहे बटन लिंक से बटन दबाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक बदलाव की तरफ बात करते सर, हरियाणा में किसको कितनी सीटें मिलेगी? दर्शकों का सवाल ये था और प्रोग्राम का आजकल सिलसिल कर दें, हरियाणा में किसको कितनी सीटें? बाकी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है लेकिन मैं इतना एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि लगता है कि भी बीजेपी 6 से 7 तक सीटें ले जाए। 6 से 7 और बाकी कांग्रेस 2 से 3 सीटें बाजी मार सकती है। पिता पुत्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो खड़े हैं चुनाव में, तो वहाँ भी बड़ा टफ कंपटीशन है लेकिन लगता है कि यहाँ निकाल सकते हैं। और भिवानी वाली सीट जहाँ खासकर मैं बात करूँ कि यहाँ भी बड़ा टफ कंपटीशन है, जो यानी कि 10 की 10 सीटें का जो दावा कर रहे हैं मुझे नहीं लगती कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। यहाँ 3 सीटें तो मुझे लगता है कि बीजेपी लूज करेगी। ये 3 अंबाला वाली भी हो सकती है जो शैलजा ले सकती है, और भिवानी वाली जो श्रुति ले सकती है, और इनमें पिता पुत्र में से भी एक तो जीतेगा तो इनमें से,
तो ऐसा तीन सीटें कांग्रेस, हिसार का भी कुछ मान के चल रहे हैं कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी सर? हिसार का बिल्कुल टेंटेटिव है, हिसार का कि नहीं, हिसार में जेजेपी वर्सेस बीजेपी इनका मुकाबला कोई बात नहीं। हाँ, अगर वोट पोलराइज होता है, जाट वोट एक जगह चला जाता है, या तो जेजेपी की तरफ चला जाए या फिर बीजेपी की तरफ चला जाए, तो उसमें दुष्यंत की तरफ गया तो दुष्यंत जीते, बीजेपी की तरफ गया तो बीजेपी जीते, नॉन जाट इकट्ठा हो जाता है तो भव्य भी उसमें टक्कर देते हुए नजर आती है। यहाँ फिलहाल पड़ रहा हम देख सकते हैं कि भी जैसे भी सट्टा भी बता रहा है और भी बता रहे हैं कि भी बीजेपी का थोड़ा सा अपर है, दुष्यंत दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भव्य को देखा जा रहा है। ऐसे ऐसे चुनाव बिल्कुल अब तो नज़दीक आ गया है, मतदान भी 12 तारीख को शुरू हो जाना है और शाम को 5 बजे ही मतदान हो जाएगा। तो ऐसे में आपने हमसे सवाल पूछे और मैं तो अनुराग जी आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि ये इंटरनेशनल चैनल, आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं और अच्छा ही कवरेज भी करते हैं और चुनाव के मद्देनज़र आपने सारा कुछ समीकरण पूछा है। तो मैं तो वोटर से एक बार फिर अपील करता हूँ एक पत्रकार होने के नाते और आपका साथी होने के नाते कि अपने मत का अधिकार अवश्य प्रयोग करें, वोट अवश्य डालें, बेशर्ते आपको कोई अच्छा ना लगे तो नोटा पे बटन दबाइएगा और जाइएगा जरूर मतदान केंद्र तक। मत हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित इस संविधान में हमें अधिकार मिला है सरकार चुनने का, एक लोकप्रिय सरकार चुनने का। तो उस लोकप्रिय सरकार को आपका एक मत, एक वोट बहुत अहमियत रखता है, बहुत रोल अदा करता है और बहुत मायने रखता है, उस मत का प्रयोग कीजिएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके इंटरनेशनल को और अपने मतदाताओं को कि इस चुनाव को उत्सव के रूप में लीजिए। शुभकामनाएं एंड टेक केयर योर सेल्फ। तो ये थे हमारे साथ राजीव बंसल जी, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे चुनावी सर्वेक्षण पर। चुनावी जिस दिन चुनाव का डे रहेगा, लोग जिस दिन डालने के लिए जाएंगे, फिर से एक बार राजीव के साथ हम बैठेंगे और इसी बारे में पूरा दिन आपके साथ चर्चा रहेगी एएनटी नेशनल पर। और फिर एएनटी नेशनल अपने सभी दर्शकों से मतलब अपील करता है कि वोट डालने जरूर जाए, कोई पसंद आए ना आए नोटा दबाए, लेकिन वोट डालने जरूर जाए। नमस्कार।